नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिल्पा। तो चलिए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। खेलगांव और विस्थापित कॉलोनी कूटे में बनाए जा रहे कोविड 19 केयर सेंटर का मुख्यमंत्री ने किया निरीक्षण। कहा, मरीजों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध। एसोसिएशन ने ग्रामीणों और दुकानदारों के बीच किया मास्क का वितरण। और झिपानी प्रखंड के असुरा गांव निवासी जगन्नाथ कुर्मी की तकलीफें हुई दूर। न्यूज टाइम्स की पहल के बाद मिला अम्बेडकर आवास योजना का लाभ। अब खबरें विस्तार से। आखिरकार हमारा प्रयास रंग लाया और 3 साल से तिरपाल के नीचे जिंदगी बिता रहे जगन्नाथ कुर्मी को अंबेडकर आवास योजना का लाभ मिल ही गया। जगन्नाथ की तकलीफों को न्यूज टाइम्स ने प्राथमिकता से दिखाया और जिला प्रशासन को सारी वस्तु स्थिति से अवगत कराया। पश्चिमी सिंहभूम जिला के झिकपानी प्रखंड अंतर्गत असुरा गांव में जगन्नाथ कुर्मी अपनी पत्नी के साथ पिछले 3 साल से तिरपाल के नीचे अपनी जिंदगी जीने को मजबूर थे। जगन्नाथ के पास जमीन तो है पर गरीबी के कारण घर बनाने में असमर्थ थे। तिरपाल के नीचे रहते भी थे और अपना पेट पालने के लिए छोटा सा दुकान भी चलाते थे। 28 जून को न्यूज टाइम्स ने जगन्नाथ की कहानी को प्रमुखता से दिखाया, जिस पर 3 जुलाई को पश्चिमी सिंहभूम जिला के उपायुक्त अरवा राजकमल एवं उप विकास आयुक्त आदित्य रंजन ने संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्यवाही प्रारंभ कर दी। सभी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए 23 जुलाई को जिला प्रशासन ने जगन्नाथ कुर्मी को अंबेडकर आवास योजना का लाभ देने की स्वीकृति प्रदान की। शनिवार को झिकपानी प्रखंड के बीडीओ प्रभात रंजन ने गांव में जाकर अंबेडकर आवास योजना की स्वीकृति पत्र जगन्नाथ कुर्मी एवं उसकी पत्नी को सौंपा। लगभग 18 बार से अधिक एक अदद आवास की मांग करते उम्मीद खो चुके जगन्नाथ कुर्मी को जब प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कागजात सौंपा तो जगन्नाथ कुर्मी की आंखें भर आई। उसे ऐसा लगा कि आज उसने आसमान छू लिया है। जगन्नाथ कुर्मी ने इसके लिए न्यूज टाइम्स एवं जिला प्रशासन का जी भरकर शुक्रिया अदा किया। आज मुझे इतना खुशी मिल रही है कि मैं आसमान को भी छू रहा हूँ। झोपड़पट्टी मेरा तरह से तंग आ गया था। इंदिरा आवास और डीडीसी साहब और बीडीओ साहब मिल करके मेरा छत का पर रहने का ये योजना दे करके मुझे घर बना दिए थे। जी, पति केसरी जगन्नाथ सिंह जी हैं, जो विगत कई महीनों से आवास की समस्या से जूझ रहे थे, जिन्हें अंबेडकर आवास प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री आवास की सूची में इनका नाम उल्लेखित नहीं था। सामाजिक आर्थिक जनगणना के समय ये बाहर रहते थे और उसके बाद भीमराव अंबेडकर आवास की विभिन्न कंडिका में ये योग्य पाए गए हैं, जिसका ग्राम सभा से भी सहमति प्राप्त है और तदुपरांत उपायुक्त महोदय के स्वीकृति के पश्चात इन्हें आज स्वीकृति पत्र प्रदान किया गया है। और निवेदन यही है कि ये जल्द से जल्द अपने घर को पूर्ण करेंगे और पक्का आवास में रहकर और एक मॉडल एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, गांव के बाकी लोगों भी इनसे प्रेरणा लेंगे। कारगिल विजय दिवस की 21वीं वर्षगांठ पर रविवार को कांग्रेस पार्टी ने शहीद पार्क स्थित शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। 26 जुलाई 1999 को हुई कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों के सम्मान में इस दिवस को मनाया जाता है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पार्टी की ओर से कहा गया कि कारगिल विजय दिवस भारत की अद्भुत सैन्य सेवा, अदम्य साहस और बलिदान का उत्सव है। इस युद्ध में भारत की सशस्त्र सेनाओं ने साहस और देशभक्ति से यह सुनिश्चित कर दिया कि भारत सुरक्षित है। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष रंजन बोईपाय, त्रिशानु राय, जितेंद्र नाथ ओझा, राकेश सिंह और नीरज कुमार झा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। टोंटो प्रखंड के डाव डांगुआ गांव की खराब ट्रांसफार्मर को विधायक दीपक विरवा की पहल पर
चार दिनों में बदलते हुए बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई है। बिजली आपूर्ति बहाल होने से ग्रामीण काफी खुश है। ग्रामीणों ने विधायक की इस पहल के लिए उनका आभार जताया है। गांव में खराब हो गए ट्रांसफार्मर को ठीक कराने के लिए ग्रामीणों ने जब बिजली विभाग से शिकायत की तो विभाग ने 20 दिन का समय मांगा। लंबे समय का इंतजार करने की वजह ग्रामीणों ने विधायक को वस्तु स्थिति से अवगत कराया। विधायक की पहल के बाद गांव में चार दिन में ट्रांसफार्मर बदलकर बिजली बहाल कर दी गई। नए ट्रांसफार्मर का उद्घाटन करने पहुंचे विधायक ने गांव के जर्जर सड़क को बनवाने की घोषणा की। इसी के साथ ही सिंचाई सुविधा के लिए उन्होंने एक तालाब निर्माण कराने का भी भरोसा दिलाया। कोरोना काल में जीवन शैली में आए बदलाव को लेकर पश्चिम सिंहभूम जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से रविवार को चाईबासा व्यवहार प्रशिक्षण के दौरान न्यायमूर्ति और झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यकारी अध्यक्ष हरीश चंद्र मिश्रा और सदस्य सचिव अरुण कुमार राय ने प्रेरणादायी वीडियो मैसेज को दिखाया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोरंजन कवि ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की विभिन्न धाराओं के बारे में अधिवक्ताओं को जानकारी दी। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों ने अपने सवाल रखे जिनका उत्तर दिया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोरंजन कवि ने कहा कि ऐसे प्रशिक्षण समय समय पर होने चाहिए ताकि विद्वान पैनल अधिवक्ताओं की क्षमता और दक्षता को मजबूत किया जा सके। कोविड 19 से सुरक्षित रहना है और दूसरों को भी सुरक्षित रखना है तो एक बार आप सदर बाजार स्थित राधिका में आइए। यहाँ आपको कोविड 19 से सुरक्षा प्रदान करने के लिए सभी सामग्री मिलेगी। कोरोना से बचाव के लिए आपको तरह तरह के मास्क और सैनिटाइजर मिलेंगे। इसके अलावा संक्रमण से बचाव के कई सामान राधिका में उपलब्ध है। यहाँ आपको पीपीई के हैंड ग्लव्स, फुट ऑपरेटेड हैंड सैनिटाइजर मशीन, सैनिटाइजर मशीन के अलावा स्पाइडरमैन, डोरेमोन, छोटा भीम, मिकी माउस आदि डिजाइन का मास्क, फेस शील्ड भी मिलेगा, स्प्रे मशीन, नैनो स्प्रे, स्प्रे पेन, इलेक्ट्रॉनिक सैनिटाइजर मशीन के अलावा एक ऐसा टैबलेट मिलेगा जो घर के कमरे और आपके ऑफिस को पानी में डालकर रखने से सैनिटाइज कर देगा। राधिका में सैनिटाइजिंग का हर सामान आपको उचित कीमत पर मिलेगा। खुदरा और होलसेल खरीदारी के लिए आज ही पधारे राधिका में। बलांडिया के मुंडा श्यामचरण लागुरी ने ग्रामीणों के साथ बैठक की। इस दौरान गांव की समस्याओं के अलावा अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। मुंडा ने बिना पंजीकरण के पलायन को लेकर चिंता व्यक्त की। आजकल कोल्हान के गांव से कोविड-19 के खतरे को दरकिनार कर रोजगार और परिवार के पेट की आग बुझाने के लिए गरीब आदिवासी मजदूरों को लालच दिखाकर बिना पंजीकरण के क्षेत्र से पलायन किया जा रहा है। मुंडा ने सभी लोगों से आग्रह किया कि कहीं भी रोजगार के लिए अन्य राज्यों में पलायन करते हैं तो पंचायत सेवक या अपने प्रखंड में पंजीकृत होकर ही जाएं। आरएमडी सेल के किरीबुरू एवं मेगा हाथुबुरू लौह अयस्क खादान के ऑफिसर्स एसोसिएशन द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क वितरण किया गया। साप्ताहिक हाट बाजार मेगा हाथुबुरू स्थित खेल मैदान में मास्क का निःशुल्क वितरण किया गया। सारंडा के विभिन्न गांवों से आए ग्रामीण परिवारों के साथ सब्जी की बिक्री करने आए विक्रेताओं में भी लगभग 250 लोगों के बीच मास्क का वितरण करने का लक्ष्य रखा गया था। मास्क वितरण कर रहे ऑफिसर्स एसोसिएशन के लोगों के द्वारा वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव के लिए विभिन्न तरह के उपायों से भी लोगों को अवगत कराया। जो मास्क वितरण किया गया वो सेल के किरीबुरू लौह अयस्क खदान द्वारा संचालित किरण महिला स्वरोजगार केंद्र की महिलाओं द्वारा बनाया गया है। शनिचर हाट प्रांगण में हाथ गुरु में जो मास्क हम लोग बांट रहे हैं, करीब 250 मास्क हम लोग बांटेंगे
जो यहाँ पर गरीब दुकानदार आए हुए हैं या ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो यहाँ बाज़ार करने आते हैं, इन लोग के बीच में ये ऑफिसर्स एसोसिएशन किरीगुरु मेघातुगुरु के द्वारा एक निर्णय लिया गया है कि इन लोग के बीच में करीब 250 किरीगुरु के अंतर्गत किरण से बनाया गया है, जिसमें हमारे ट्राइबल महिलाएं इस मास्क को तैयार किए हैं और मैं बहुत आभारी हूं किरण और सेल मैनेजमेंट पर जो इन लोग इस पर अमल करके आज ये मास्क हम लोग बांट रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची के कुटे स्थित विस्थापित कॉलोनी के नव निर्मित आवासों और खेल गांव स्थित बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम परिसर में बनाए जा रहे COVID-19 की व्यवस्था पर जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा COVID-19 की जांच में तेजी लाई गई है, इसी कारण राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है। वर्तमान में प्रतिदिन पूरे राज्य में 8,000 से 9,000 COVID-19 जांच किए जा रहे हैं। सीएम ने कहा कि जैसे जैसे जांच में वृद्धि होगी, निश्चित रूप से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में बेड की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। संक्रमण के इस दौर में मरीजों की चिकित्सा व्यवस्था को लेकर सभी पहलुओं पर सरकार की पैनी नजर है। सीएम ने ये भी कहा कि मरीजों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि तत्काल 3,000 से 4,000 बेड बढ़ाए जा रहे हैं। पूरे राज्य में संक्रमित मरीजों के लिए वेट बढ़ाने का कार्य प्रगति पर है। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील किया कि बेड और चिकित्सा व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार का डर मन में ना रखें। कोरोना का संक्रमण धीरे धीरे बढ़ रहा है और वो इसलिए ऐसा लग रहा है क्योंकि सरकार ने राज्य में कोविड टेस्टिंग की प्रक्रिया तेज कर रखी। पहले तो बहुत ही कम टेस्ट हुआ करता था तो मरीज भी नहीं मिलते थे, पॉजिटिव भी नहीं मिलते थे, और अब चूंकि इतने बड़े पैमाने में 8,000-9,000 प्रतिदिन टेस्ट हो रहे हैं तो उसमें निश्चित रूप से लोगों को चिन्हित होना लाजमी है। और इसको लेकर जो लोगों में एक डर भय है कि अस्पतालों में बेड की कमी है, तरह तरह की अफवाहें उड़ाई जाती हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन सरकार इस संक्रमण में सभी पहलुओं पर पहली नजर रखी हुई है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में रविवार को 9 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले में कोरोना विस्फोट का सिलसिला लगातार जारी है। संक्रमित मरीजों की संख्या में हर दिन बढ़ोतरी होती जा रही है। रविवार को जिले में 9 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस तरह से जिले में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 236 हो गई है। आज पॉजिटिव पाए जाने वालों में जिला पुलिस के 6 जवान शामिल हैं। इसके अलावा चक्रधरपुर के 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। खेलगांव और विस्थापित कॉलोनी कूटे में बनाए जा रहे COVID-19 केयर सेंटर का मुख्यमंत्री ने किया निरीक्षण। कहा, मरीजों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध। एसोसिएशन ने ग्रामीणों और दुकानदारों के बीच किया मास्क का वितरण। और झिपानी प्रखंड के असुरा गांव निवासी जगन्नाथ कुर्मी की तकलीफें हुई दूर। न्यूज
इतना ही, कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।